जय हिंद टू यू ऑल गाइस। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे अगले वीडियो में हम लोग IRDA से रिलेटेड फैक्ट्स को जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NIACL का मेंस होने वाला है, तो यहाँ पे NIACL के लिए जो GS का सेक्शन आएगा उसमें इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है। जैसा कि हम लोग को पता है कि एग्जाम का पैटर्न इसका क्या है, तो यहाँ पे आपका जो रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है और क्वांट है, ये आपका 50-50 मार्क का सेग्रीगेशन इन्होंने करा हुआ है, जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस होंगे। पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन के लिए आपको एक मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला है, और जो ड्यूरेशन है वो हर किसी में अलग अलग है। तो यहाँ पे 40 मिनट का आपका रीजनिंग में आपको टाइम दिया जाएगा, 40 मिनट आपको इंग्लिश के लिए दिया जाएगा, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 30 मिनट और क्वांट के लिए आपको 40 मिनट टाइम दिया जाएगा, और जो इसका कंबाइंड टाइम आके मिलता है वो मिलता है आपका 150 मिनट, यानी कि 2 आवर 30 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम, एक ओवरऑल टाइम मिलने वाला है। तो ये हो गया आपका मेंस का। इसके बाद जब आप क्लियर करते हैं तो आपका आता है पर्टिकुलरली डिस्क्रिप्टिव, जो कि आपका लिखने का होता है ऐसे वाला। चलिए, IXAMBK के द्वारा NICLAO के मेंस के लिए चाहे आप की तैयारी कर रहे हो, वहां पे जो हमारा कोर्स है उसमें भारी छूट दी गई है, डिस्काउंट दिया गया है 60% का। तो आपने कोड यूज करना है NICLAO60, जिसके तहत आपको 60% का वेवर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो NICLAO कोर्स है हमारा जर्नलिस्ट का, इसके तहत आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, तो यहाँ पे आप देखिए डेली लाइव क्लास हमारे द्वारा आपको दी जाएंगी। दूसरा आपका आएगा 400 से ज्यादा आपको वीडियो लेसन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 125 से ज्यादा आपको स्टडी नोट्स हमारे द्वारा आपको दिए जाएंगे, जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि आपके पेपर को ध्यान में रखकर बनाए गए। ऐसा नहीं है कि वो पेपर से रेलेवेंट नहीं होगा, पेपर से रेलेवेंट पूरा है, ठीक है। 10,000 से ज्यादा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी तैयारी को एनहेंस बूस्ट मिलेगा। फुल लेंथ के मॉक टेस्ट, अब फुल लेंथ के मॉक टेस्ट क्या होते हैं, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उस हिसाब से यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स क्या बनाएंगे, एक एग्जाम बनाएंगे, एक पेपर बनाएंगे, मॉक टेस्ट बनाएंगे, जिसके तहत अगर आप वो मॉक टेस्ट अवेल करते हो, आप वो देते हो, तो वहां पे आपको पता चलेगा मैंने कहाँ कहाँ पर गलती करी है, कहाँ कहाँ पर गलती नहीं करी है। तो उससे आपको पता चलेगा मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है, वीक टॉपिक कौन सा है, क्योंकि वहां पे आपका परफॉर्मेंस चार्ट आ जाएगा। अब परफॉर्मेंस चार्ट आएगा तो उससे आपको पता चलेगा कि मेरे वीक टॉपिक कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं, जिसको सिर्फ रिवाइज करना है, और कौन से ऐसा जिसको मुझे दोबारा से अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे अगर आपका इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको गाइडेंस दी जाएगी, तो आपको जल्दी से अवेल करना है क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए IRDAI, अभी तक आपने पढ़ा 1999 में कि IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब आता है यहाँ पे IRDAI, बाद में इसमें इंडिया को भी जोड़ दिया गया था, जिसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो IRDAI है, ये IRDAI ये क्या था, जब भारत में जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है वो प्राइवेट और फॉरेन दोनों प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, कब, 2000 में। इससे पहले यहाँ पे सिर्फ सरकारी कंपनीज हुआ करती थी, इससे पहले सिर्फ सरकारी इंश्योरेंस सेक्टर को चला रही थी, जिससे घाटा हो रहा था। यहाँ पे 2000 में प्राइवेट कंपनीज को भी एंट्री दे दी गई। इसके बाद आता है कि जो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो विदेश से पैसा हमारी कंपनीज में लगेगा, हमारे सेक्टर में लगेगा, वो 26% कर दिया गया, 26% था पहले से, 49 कर दिया गया 2015 में, ठीक है। यानी कि 2000 से पहले कितना था हमारा, पर्टिकुलरली अगर हम देखें 26% था, और 2000 के बाद तक 2015 में इसे कितना कर दिया गया, 49% कर दिया गया। फिर बात आती है अभी के करंट अफेयर की, मई 19, 2021 में, अब ये जो 49% था इसे और बढ़ा दिया गया, अब हो गया आपका यहाँ पे 74%, यानी कि भारत के बीमा क्षेत्र में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि फॉरेन मनी फ्लो है, जो पैसा आता है, वो कितना कर दिया गया है, वो 74% तक हमने उसको इजाजत दे दी है। अब यहाँ पर मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों को सरकार ने माना, सरकार ने उनके सुझावों को तरीके से संज्ञान में लिया, और मल्होत्रा कमेटी जो थी पर्टिकुलरली इनके कहने पर, अब देखिए मल्होत्रा कमेटी की स्थापना 1993 में हुई थी, और एक साल के भीतर ही इन्होंने रिपोर्ट भी दे दी थी 1994 में। ये दोनों डेट आपको पूछी जाएगी कि कब इसकी स्थापना हुई थी, कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, तो यहाँ पे ये दो डेट आपको हमेशा याद रखनी है। अब इनकी सिफारिश पर
IRDA की स्थापना होती है 1999 में, दिसंबर में होती है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। तो ये जो IRDA है, यानी कि जो हमारा IRDA है, जो कि बाद में जाकर क्या बनता है, IRDAI बनता है, तो ये IRDA की स्थापना 1999 में हुई एज अ ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी क्या होती है, स्वायत्त संस्था बोलते हैं इसको हम, स्वायत्त संस्था, यानी कि जो अपने फैसले अपने आप ले सकती है सरकार से, उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता। ऐसा कोई काम नहीं है कि सरकार बोलेगी तभी आपको करना है, ऐसा नहीं है। आप एक ऑटोनॉमस बॉडी हो और आपको खुद भी फैसला लेने का हक है। चलिए अगर हम बात करते हैं IRDAI की, तो IRDAI एक ऑटोनॉमस बॉडी तो बन गई, स्थापना भी हो गई, लेकिन इसको प्रमाणित कौन करेगा, इसको प्रमाण कौन देगा कि आप एक बॉडी हो, आप इसको एक तरह से पावर कौन देगा। तो IRDA ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी अप्रैल 2000 में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, पर्टिकुलरली एक प्रमाणित संस्था बोलते हैं इसको, जिसके पास पावर्स हैं, ये बनी थी अप्रैल 2000 में। अब इसने क्या करा, भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जैसे हमारा बैंकिंग सेक्टर RBI होता है, स्टॉक मार्केट हमारा SEBI होता है, पेंशन से रिलेटेड हमारा PFRDA होता है, टेलीकॉम से रिलेटेड हमारा TRAI होता है, उसी प्रकार से हमारा इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है हमारा IRDA। तो ये जो IRDA है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका, स्वायत्त संस्था है। अब ये भारत में रेगुलेट तो करेगी करेगी, रेगुलेट का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर से जैसे हम किसी भी चीज को तो कम या बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने गैस सिलेंडर में देखा होगा रेगुलेटर होता है वहां पर, उसी प्रकार से जो हमारा इसमें फ्लो है पैसे का, अगर नुकसान हो रहा है तो बढ़ा दो और अगर फायदा हो रहा है तो पैसा कम कर लो। तो यहाँ पे आपने देखा है कि हमने इसको रेगुलेट तो करना है, साथ ही साथ में हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को हमने प्रमोट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे IRDA काम प्रमोट करना भी होता है। तो ये किसके तहत आई थी, अगर आपसे आप पूछेगा कि जो IRDAI है, जैसे IRDA है, उसकी स्थापना किस एक्ट से हुई थी, तो पर्टिकुलरली इस एक्ट का नाम भी यही है, IRDA एक्ट 1999, और ये पार्लियामेंट लेके आया था। बहुत बार आपको दिमाग में ये रहता होगा कि पार्लियामेंट लेके आया था या कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया था, भारतीय संविधान में ऐसी कोई संस्था का जिक्र नहीं है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी जिक्र नहीं है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, ये एक लीगल बॉडी है एक तरीके से, जिसे हम कानून बनाकर लाए होते पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद तेलंगाना में है, जो कि दिल्ली से मूव हुआ था 2001 में, ठीक है, पहले इसका दिल्ली था। अब IRDA में आपको कौन कौन से व्यक्ति क्या क्या मिलेगा आपको, तो जो IRDA है, ये जो एक्ट है हमारा, तो इसके तहत यहां पर ये बताया गया था, क्योंकि पार्लियामेंट ने इसको शक्तियां दी है, तो पार्लियामेंट ने बोला कि अंडर सेक्शन 4 ऑफ IRDA एक्ट 1999, तो IRDA में कौन कौन से लोग होंगे, ये पर्टिकुलरली जो एक ये संस्था है, जो एक ये कमीशन है, उसमें कौन कौन से होंगे, इन्होंने इसमें बोला कि 10 मेंबर्स होंगे, ठीक है, 10 मेंबर्स होंगे जो कि अपॉइंट करे जाएंगे भारतीय सरकार के द्वारा, जो कि स्वायत्त ऑटोनोमस रूप से बात एक वो क्या करेंगे, कार्य करेंगे। 10 मेंबर होंगे, 10 में से एक चेयरमैन होगा पहली बात तो, ठीक है, जो कि वर्तमान में कौन है, सुभाष चंद्र खुंटिया, जो कि IAS है, IRDA के चेयरमैन है, ये आपने याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। चेयरमैन सुभाष चंद्र खुंटिया, 5 होल टाइम मेंबर और 4 पार्ट टाइम मेंबर, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 10 मेंबर्स। तो ये आपने याद रखना है कि 10 मेंबर इसमें टोटल होते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। सेक्शन आपने यहाँ पे याद रखना है कि सेक्शन 4 है कौन से एक्ट का, IRDAI एक्ट 1999 का, क्योंकि पूछेगा आपको किस सेक्शन के तहत ये बताया गया है कि द कंपोजिशन ऑफ द IRDA, एक चेयरमैन, 5 होल टाइम मेंबर और 4 पार्ट टाइम मेंबर। ये पार्ट टाइम मेंबर जो होंगे ये चेंज होते रहेंगे, 5 जो होते हैं परमानेंट होल टाइम में रहते हैं, ठीक है। अब पावर एंड फंक्शंस ऑफ IRDA, अब इनकी क्या पावर्स है और क्या फंक्शंस है, देखिए इसी एक्ट का हर एक्ट में सेक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्ट बना दिया और छोड़ दिया, एक्ट के अंदर उसको दिखाना है कि इस कमीशन में कितने सदस्य होंगे, उनकी क्या पावर होगी, कौन इसका सदस्य जो बनेगा उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जो IRDA है इसके सेक्शन 14, अब आपने 4 देखा, 4 था आपका कॉम्पोजिशन, सेक्शन 14 आया इसका पावर्स, तो यहाँ पे पावर दी गई है IRDAI को। अब इन्होंने बोला कि पर्टिकुलरली आप क्या करेंगे, आप लोगों के इंटरेस्ट, लोगों का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पॉलिसी होल्डर, आप सिर्फ और सिर्फ कार्य करेंगे पॉलिसी होल्डर के लिए, पॉलिसी होल्डर से रिलेटेड आपके सारे के सारे काम होने चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो पॉलिसी है उसकी सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए आप की पॉलिसी खत्म हो चुकी है या फिर आपने खत्म कर दी है 3 साल में के बाद ही करिएगा,
तीन साल के बाद आपने पॉलिसी खत्म कर दी या फिर आपका जो पॉलिसी मैच्योर होगी जो पैसा आपको मिलेगा दैट इज सरेंडर वैल्यू। कई सरेंडर वैल्यू के साथ जो कंपनी है वो छेड़छाड़ तो नहीं कर रही है, अगर वो छेड़छाड़ कर रही है तो यानी कि वो पॉलिसी होल्डर के साथ क्या कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है। तो वो सब चेक करता है IRDAI, सेटलमेंट करता है इंश्योरेंस क्लेम को। मान लीजिए आपका इंश्योरेंस था दुर्घटना इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस था, तो उस इंश्योरेंस जैसे एक्सीडेंट अगर दुर्घटना होती है तो वहां पर आप क्या करते हैं, क्लेम करते हैं कि हाँ जी मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो चुका है, मेरी गाड़ी पूरी की पूरी खराब हो चुकी है, मुझे पैसा चाहिए जो कि मैंने इंश्योरेंस कराया था क्लेम, तो उसे बोलते हैं क्लेम। अब ऐसा ना हो कि क्लेम जो कंपनी आपको 5 साल बाद दे रही है, 6 साल बाद दे रही है जब आपको जरूरत ही नहीं रही, पैसों की जरूरत तो उसी वक्त रहती है जब आपको नुकसान हुआ रहता है। तो ये सब चेक करना काम है IRDAI का। तीसरा आता है कि भाई जो आपकी पॉलिसी है उसमें आपका नॉमिनी कौन है। जैसे कि मान लीजिए ये लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा काम आता है, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो पैसा है जो उसने पर्टिकुलरली उस पॉलिसी के लिए लिया था तो वो पैसा किसको दिया जाएगा, तो वो होता है आपका नॉमिनी। बेसिकली लोग अपने माता पिता, और ये ब्लड रिलेशन में होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप किसी दोस्त का नाम लिख दिए, आप किसी अन्य व्यक्ति का नाम लिख दिए, आपके ब्लड रिलेशन में वो नाम होना चाहिए। ठीक है, अब IRDAI का काम क्या होता है, ये जो नई कंपनीज होती है इनको रजिस्टर करवाना, तो वहाँ IRDAI के पास जाती हैं, इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है ये इसको रिन्यू करती हैं, मॉडिफाई भी कर सकती हैं, इनके विड्रॉ भी कर सकती है कि तुमने गलत काम करा, सस्पेंड भी कर सकती हैं, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकती है। तो भारत में जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनीज नई नई आएंगी उन सभी का जो कार्य होता है वो करेगा काम IRDAI। ठीक है, तो IRDAI क्या करता है, ये जो हमारे क्या होते हैं पॉलिसी बेचने वाले, ठीक है, जो हमारे पॉलिसी सेलर होते हैं ये क्या करते हैं, एजेंट्स को उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट ये लोग बताते हैं, क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है उसके लिए जो हमारा एजेंट बनेगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्वालिफिकेशन, कैसे हमको ट्रेनिंग देंगे, कैसे कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए लोगों से बात करने का, तो ये सारा का सारा काम भी IRDAI करता है। तो गाइस आपने अभी देखा, पर्टिकुलरली हमने उन फैक्ट्स को देखा जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेट्स मैंने आपको बताई 1999 बताई, 1993 बताई, 1994 बताई, तो जो मैंने आपको सेक्शंस बताए वो सारे के सारे एग्जाम में आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनता है, क्योंकि जो इंश्योरेंस का जो पर्टिकुलरली मैटर है, जो एक तरीके से जो पढ़ाई है इंश्योरेंस की, जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, कम होती है, तो क्वेश्चंस यहीं से रिपीट होते रहते हैं ईयर से, तो आपने उन ईयर्स को पर्टिकुलरली याद करके रखना है। तो गाइस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।